Це ж так не обличчя. Окей, окей. Не обличчя, зараз військові стан. Окей. So, hello guys. अरे कैमरा साफ नहीं है क्या? Welcome back to vlog. इस रोड पे हम लोग बहुत बार चले हैं. अभी पहले मैं चेक कर लेता हूँ आवाज अच्छी आ रही है कि नहीं. कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ा मेरे को बैंक जाना था. थोड़ी सी आज बहुत डॉलर वसूल करने हैं. जुनू एक बात बताओ, अगर हमारा INR है वो डॉलर के इक्वल होता है, मतलब 1 INR 1 डॉलर के इक्वल, तो तुम कितने डॉलर उड़ाते डेली या कितने INR डेली खर्च करते? देखिए अभी तो साइड दे दीजिए ताकि पीछे वाले लोग जा सके. ओके, उसके अलावा आराम से नौशी भाई, किंग होते हैं अपन इंडियन, यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय में होते हैं अपन फिर यहाँ. क्या करते तुम इतने पैसों का? बहुत कुछ कर सकते थे, इन्जॉय कर सकते थे. मैं कैसे, अभी इंडियंस खुश होते हैं. 2500 फीस तो ऐसे भरते जैसे कुछ भी नहीं है ना, पॉकेट मनी डाल देते हैं यूनिवर्सिटी में. लो भाई, तो गाइज देख रहे हो ना करेंसी का कितना फर्क है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेवत बैंक में. और भाई साहब कितना, माय गॉड, नोटबंदी में जैसे लाइनों में खड़े थे ना लोग, इधर वैसे लाइनों में खड़े हैं लोग. और मेरे को पता नहीं कितनी देर बाद मेरा नंबर आएगा. कोई बैंक खुला ही नहीं है भाई. गाइज जब सायरन होता है ना तो कैश काउंटर काम नहीं करता, सो आई हैव टू गो बैक. एक्चुअली मेरे को ना एक एयरपॉड खरीदना था. वो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एप्पल का या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है. और मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहता हूँ कि यार मेरे को कौन सा ख़रीदना चाहिए जिसकी नॉइस कैंसिलेशन अच्छी हो, एंड सेकेंड थिंग जब मैं बात करूँ तो जैसे होता है ना कि जनरली यार आवाज़ नहीं सुनाई देती हो, माइक उठा के यहाँ रखना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू कैन सजेस्ट मी. जुन्नू मेरे को बोलता है कि एप्पल का ले लो, मगर भाई अभी मैंने पूछा $235 का है. $235 का मतलब हुए लगभग कितने हुए जुन्नू? 20,000 रुपये ना. पागल है यार, 20,000 में आदमी नया फोन लेके घूम, वेस्ट ऑफ मनी. एप्पल के प्रोडक्ट्स में पैसा नहीं इन्वेस्ट करने का. देखिए कौन बोल रहा है जो एप्पल से रिकॉर्डिंग. ये गोप्रो है ब्रो. इस पे मैंने एप्पल का स्टिकर लगा रखा है. अभी डॉलर का प्राइस जो है थोड़ा सा डाउन हुआ था एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम. नाउ वी विल चेक अगेन टोटल और ये कितने करेवना मिल रहे हैं. एंड यू कैन सी द क्राउड इन द सिटी, दैट्स गुड थिंग. क्योंकि यार घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हर टाइम कि क्या सिचुएशन है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं. तो आई वॉन्टेड टू शो लाइक देखो सिटी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है. तो गाइज अभी मैं विनीत्सा के उस प्लेस पे हूँ जहाँ पे जुन्नू कभी नहीं आया है. ये कभी देखा है जुन्नू ये प्लेस? नहीं, ये बन गया है ना, पर देखा याद नहीं मेरे को एग्जैक्ट. भाई 4 साल हो गए इस बंदे को यहाँ रहते हुए. भाई ये जस्ट पीछे वाला पार्ट है फ्रेंडशिप पार्क का. ये बोलता है कि नहीं मैंने कभी नहीं देखा ये बनते हुए. तो गाइस ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. दिस तक ने ले ने ने ओब्लिक मस्ट एक्सपीरियंस था गाइस. आई हैव एक्सपीरियंस दिस बिफोर इन स्विट्जरलैंड. इसके साथ जो स्विट्जरलैंड में हुआ वो हम लोग के साथ विनीत्सा में हुआ. 3 पुलिस आई. कैसे एक्सपीरियंस था रशिया? अभी भी वहाँ पे है. आके भाई डॉक्यूमेंट मांगे, मैंने पहले अपना स्टूडेंट कार्ड दिखा दिया, इन्होंने अपना पासपोर्ट दिखा दिया. ठीक है, उसके बाद बोले कि नहीं 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 दवाई अनदर डॉक्यूमेंट. तो फिर मैंने अपना भाई वो दिखा दिया पोस्टविद का. तो बोली कोई बात नहीं. उसके बाद मैंने पूछा कि मगर भाई क्यों चेक कर रहे हो आप लोग? तो फिर उन्होंने कहा कि पहले अपने पॉकेट वगैरह चेक करो. मैं कहा यार हम लोग कौन सा गांजा लेके घूम रहे थे. ऑब्वियस सी बात है यार. तो भाई अपना डॉक्यूमेंट जरूर रखना. और ये भाई इतना तेज है, उस पुलिस ने को चॉकलेट देना, दिखाओ तो. खा गया बोल रहा कि इट्स फॉर यू. जिंदो विल हैव अ कंपटीशन और यू कैन से स्मॉल चैलेंजिंग टास्क विद दैट गाय. यूक्रेनियन और यूक्रेन भाई इन चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मसल वगैरह बहुत अच्छे से करते हैं. पहले चला गया भाई, चला गया, कोई दिक्कत कोई कंपटीशन. सुन तो जीत गए अकेले ही. जिन्नू तुम्हें इस पहले पैनल से लेके वहाँ तक जाना है, अगर चले गए तो $100 दूंगा मैं तुम्हें. देखो ज़्यादा होते हैं $100 में, फिर भी दे रहा हूँ यार. जिन्नू ये जैकेट उतार लो भाई, नई जैकेट अगर फट गई तो. ओह नाइस वन. चलो भाई देखते हैं जिन्नू टास्क कम्प्लीट कर पाता है कि नहीं. हो जाएगा, क्या लगता है गाइस? कमेंट में बताइएगा जरूर. वो ट्राई करते, वेट मेरा काफी है वैसे, बता दूं. आई बिलीव यू जुन्नू, यू कैन डू इट, लेट्स ट्राई. चलो 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 चलो, अब आगे वाले से कर लो क्योंकि स्लिप हो रहा है भाई. आगे वाले से कर लो ना. हां हां ना, बहुत दूर दूर है. ए जुन्नू बेइज्जती मत कराओ यार, ये दूर है. जुन्नू बेइज्जती मत कराओ यार. बहुत दूर दूर है रोशी भाई. अच्छा ऊपर से आ सकते हो या नीचे वाले? नहीं होगा ये, आप ट्राई करके देखो एक बार. तो देखो भाई बच्चे को मसल अप कर पा रही है. चलो भाई दूसरे का नंबर.
बहुत दूर दूर है। अरे वाह दूर है ना, स्लिप मार रहे हैं। ऊपर से नीचे आ जाओ शायद आप। यूक्रेनियन जो होते हैं ना अपने हाथ के हिसाब से बनाते हैं, हमारे हाथ छोटे छोटे देखो, इन लोगों ने बना रखे हैं डेढ़ डेढ़ फुट के। अब इतनी दूर आदमी स्ट्रेच कर रहे कि लटके, चलो इससे पूछते हैं ये कर पाए। शुभरात डाल लिएगा वीडियो में करा के। कैन यू डू दिस? देखो भाई यही मैं बोल, अरे भाई अरे भाई भाई ये तो थैंक यू ब्रो थैंक यू, इट्स इजी यू नो, बट माई हैंड इज नॉट गोइंग, लुक माई हैंड्स स्मॉलर, डजंट मैटर, आर यू श्योर? You know, muscle up? No. No? I can try. Okay. Oh, class. What's your name? Vadim. Thank you, Vadim. Bro, your English is really very good. अभी पकड़े मछली? नहीं मैं आज तक नहीं करा फिशिंग। भाई मैंने किया है फिशिंग इंडिया में ना, वो डंडी होती है उसमें वैसे धागा वागा बांध के डाल दो भाई, बहुत मजा आता है यार। कितनी देर में पकड़ देते आप? अरे ये तो मछली के ऊपर बात है हमारे ऊपर। मछली पकड़ी तो हम पकड़े। अब मछली अभी देखो ये बैठा हुआ है, अभी मछली खाई गई तो क्या कर लेगा ये अंदर डाल रखा है ना वो तार। हाँ तो गाइस फाइनली मिल चुका है अपन को जिम, अब लेट्स गो एंड वार्म अप गाइस। पहले तो वार्म अप करेंगे, उसके बाद मसल अप करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको जो हम लोग वहाँ नहीं कर पाए, क्रॉस ओवर, उसमें हम लोगों ने वार्म अप नहीं किया था, अब करके दिखाएंगे। जुन्नू चैलेंज एक्सेप्टेड? बिल्कुल बिल्कुल खड़े होके करना था भाई ये भाई, कसम से बोल रहा हूँ एक नंबर एक्सरसाइज है कमर के लिए। कभी फ्रेंडशिप पार्क आओ ये मशीन जरूर ट्राई करना। ये भाई नीचे तक जाओ, हाँ पूरा स्ट्रेच मत करो, हाँ नीचे जाओ आप, यस 90 डिग्री, दैट्स इट, हाँ ऊपर जाओ, वाह ठीक है भाई, यहाँ भी ट्रेनिंग ले सकते हो यार। yes. अब्दुल हमीद को लाएंगे यहाँ पे। अपनी बॉडी को अपने हाथों से उठाना, असम से नोटी भाई मस्त है यार। एक नंबर मशीन बनाया यार ये लोग, इसको पकड़ दिया गाइस, अच्छे से ग्रिप ले लिए, अपना बॉडी वेट जितना ज्यादा होगा उतना फायदा आपको, उठाइए। अरे भाई टू पंप आ रहा है यार, तुम्हारी वेन देखो दिख रही है। और अरे बस लेदर जैकेट भी पार कर गई, कुछ पे अटका लिए पैर, लेट जाइए गाइस मस्त, उठ जाइए मस्त। सही है भाई सही है सही है। एक एक नंबर 50 101 बस बस अब 10,000 पेट दुख गया। दिखाओ एब्स दिखाओ भाई, यार जुनू पेट अंदर हो गया यार तुम्हारा। 6,300 चलो भाई, पंप आ गया नौची भाई, पंप आ गया भाई, देख सकते हैं गाइस आप पंप खतरनाक है। तो अच्छी पर यार और वेट डलेगा इसमें यार, मेरे वेट के हिसाब से कम लग रहा है। मैं चढ़ जाता हूं, बैठ जाओ पीछे, मैं चढ़ जाता हूं। सिर तो नहीं उठाएगा यार, अरे नहीं उठा लोगे आप। तुम्हारा वार्म अप हो गया, लेट्स ट्राई, पहले मैं करता हूं चलो कर दो। ओहो यस बहुत बढ़िया, अब पैर ऊपर ले जाइए अपने घुमा के, बहुत बढ़िया। नौशी भाई ने हमारे बीट कर दिया उस लौंडे को, उससे जल्दी अगर नजदीक होता ना तो मैं कर देता। चैलेंज एक्सेप्टेड और कंप्लीटेड, बहुत बढ़िया नौशी भाई, एक्सेप्टेड ब्रो, और हरा दिए लौंडे को उसको। चलो जुन्नू अब तुम्हारी बारी है, ठीक है हारना नहीं है बिल्कुल भी, शाबाश बहुत बढ़िया, चलो 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 यस। शाबाश शाबाश, यस गाइस आई डिड इट, बस करो अब। तो भाई जी काफ़ी देर से ना मतलब बहुत ही सैड फील कर रहा था कि भाई हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे, हमारा बॉडी वेट तो ज़्यादा नहीं है। तो मैंने समझाया मैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो जो आयरन पैनल्स थे वो काफ़ी दूर थे इसलिए नहीं हो पा रहा था, अभी देखो नज़दीक तो कर दिया। अब बताओ बॉडी वेट ज़्यादा है तुम्हारा? बहुत ज़्यादा है गाइस अब, सच्चाई तो ये। तो भाई बेसिकली पता है वहाँ क्यों नहीं हुआ था,
क्योंकि हम लोगों ने वार्म अप नहीं किया था। वार्म अप कर रहे हम, इतना अच्छा गाइस दिखाई वो मशीन, वो सबसे प्यारी मशीन वो थी, उसमें मैं टंग गया था बैक की तरह, जब मैं हिला तो मेरी बैक वार्म अप हो गई है पूरी। हाँ तो बस यही बात है।